सभी मेरे भाइयों को राम राम। भाइयों स्वागत है नए ब्लॉग में। तो आज हम फ्री हैं, मतलब किस चीज़ से फ्री है मैं बता देता हूँ। 3-4 दिन से मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, आपको पता है कि मैं ब्लॉग नहीं ला पा रहा था क्योंकि घनी प्रॉब्लम बन गई थी, सारी बीमारियाँ एक साथ बन गई थी, बुखार खांसी जुकाम सब कुछ एक साथ बन गया था, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा दर्द सर में था। तो अब फ्री हैं, अब ठीक हैं, तो अब ब्लॉग बनाएंगे। और मैं देखो कहाँ पे आया हूँ, अगर आपने देखा होगा तो। सबसे पहले मैं आपको चारों तरफ का एनवायरनमेंट दिखाता हूँ, और एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, जो ताऊ रंगीले थे 180 कुश्ती जो मारी थी ना उन्होंने, वो किस तरीके से हमें देख रहे हैं ब्लॉगिंग शूट करते वक्त। ये देखिए गाइस, ये देखिए, जय हो रंगीले ताऊ, हंस रहे हैं ताऊ ने भी मौज घाट रखी है गाइस। इनके लिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो फटाफट। सन सैड होने वाला भी सैड नहीं हुआ है, तो देख सकते हैं आप, ये अपने गांव का चारों तरफ का व्यू है। देखिए वो रहा अपना घर, बच्चे खेल रहे हैं। तो ये तो आधा ही छोड़ रखा है, इसका नंबर लगाएंगे, बनाएंगे इसको अगली नेक्स्ट 2024 से जनवरी या फरवरी में इसका काम हम स्टार्ट कर देंगे। देख सकते हैं घर की कितनी बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी है, क्योंकि नानी का घर है, अब हमें ही बनाना है गाइस। तो प्यार सपोर्ट बना के रखें, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। और एक चीज़ आपसे शिकायत है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। वीडियो को पूरा वॉच तो कर लेते हैं, कोई शिकायत नहीं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने भाई को आगे बढ़ाओ, जल्दी करो फटाफट। और कुछ भी सवाल अगर आपको करना है, कमेंट सेक्शन ऑन है, और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सभी मेरे भाई इंस्टाग्राम पे आइए, सबसे बातचीत करेंगे। तो ब्लॉग के माध्यम से तो आपसे बातचीत हो ही जाती है। तो भाइयों आपको एक चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि मार्केट में एक स्कैम हो रहा है, बहुत गंदा स्कैम। वो कैसे स्कैम हो रहा है कि आपके पास कॉल आएंगे स्कैमरों के, वो क्या करते हैं, आपके चाचा ताऊ नाना मतलब कोई भी रिलेटिव बन करके वो आपको फ़ोन करेंगे। क्योंकि मेरे पास कॉल आया था 4-5 दिन पहले, फ़ोन आया था, वो भी 3 बार उन्हीं के स्टाफ के बंदों ने मेरे को अलग अलग तरीके से बात करी थी। तो मेरे को तो पता था कि वो किस तरीके से स्कैमर है, स्कैम कर रहे हैं, लेकिन बहुत से हमारे ऐसे व्यूवर्स हैं वो ऐसे स्कैमों में फंस जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि इस स्कैम से बचने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है। वो सबसे पहले आपको कॉल करेंगे, पहले तो वो बोलेंगे हेलो, आप बोलोगे हेलो कौन, तो वो आपसे सीधा ये बोलेंगे पहचाना नहीं क्या, पहचानो, इस तरीके से आपसे मजाक में करेंगे थोड़ा सा, पहचानो मैं कौन हूँ। तो फिर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे किस में आवाज़ मिल रही है, तो आप बोलोगे ना कि आप मामा बोल रहे हो क्या या चाचा बोल रहे हो, तो वो तुरंत बोलेंगे हाँ 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 बिल्कुल वही। तो इस तरीके से वो आपके हाँ में हाँ मिला देंगे। फिर वो पता है क्या बोलेंगे कि अरे मुझे ना थोड़ी पैसे की नीड थी, मतलब जरूरत थी, तो मैं कुछ पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूँ, ये पैसा आप मेरे को बाद में आप ट्रांसफर कर देना। वो इस तरीके से आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। तो उनका यहीं से उनका स्कैम चालू होता है। तो वो फिर क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपसे बोलेंगे कि फोन पे या पेटीएम वगैरह आप कुछ चलाते हो तो उसका नंबर बताओ। तो बहुत से क्या व्यूवर्स होते हैं वो ऐसे स्कैमों में फंस जाते हैं। तो वो आपको पहले फेक मैसेज करेंगे ऊपर टेक्स्ट मैसेज में, तो उसमें बताएंगे कि हाँ, उसमें पूरा क्लियर लिख देंगे कि हाँ ये तुम्हारी बैंक है, ये तुम्हारा नाम है, उसमें इतने अमाउंट आपके बैंक में क्रेडिट हो चुका है। तो आप तो फोन पे वो वगैरह नहीं चलाते हो, तो शायद आपको नहीं पता होगा कि वो आपके साथ स्कैम कर रहे हैं। आपको लगेगा हाँ पैसा क्रेडिट हो गया, टेक्स्ट मैसेज आ चुका है। तो वो क्या करेंगे, फिर आपसे बोलेंगे कि आप फोन पे पे वो अमाउंट को रिफंड करने की कोशिश करें। उन्होंने 10,000 आपको भेजा, वो बोलेंगे आप बाकी का पैसा रख लो, आप 5,000 या 3,000 वो आप उनको रिफंड करो। तो जब आप करने जाओगे
तो वहीं स्कैम हो जाता है, क्योंकि उन्होंने क्या करा आपके साथ, उन्होंने टेक्स्ट मैसेज करा और आपने क्या उनके बदले में क्या क्या करा, उनको रियल मनी उनको सेंड कर दिया। तो आपसे यही कहना चाहता हूं कि इस तरीके से स्कैमर बहुत ज़्यादा स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आपको मजे लेने हैं तो बात करो, कुछ भी मिला के बात कर सकते हो। मैंने किस तरीके से, तो पहली बात तो देखो, मैंने उसको चाचा बनाया था एक स्कैमर, उससे इतने मजे लिए कि आप विश्वास नहीं करोगे। मैंने इस तरीके से उसको घुमा दिया, मतलब वो समझ गया कि हाँ ये टेढ़ा बंदा है। वो मैं अपना बता रहा हूँ कि जो मेरे से किस तरीके से बात करा था, तो उसने मेरे से बोला था स्कैमर ने कि हेलो कौन, तो मैं समझ गया वो घुमा फिरा के बात आया था पैसे पे, तो मैं समझ गया कि हाँ ये स्कैम करने वाला है। तो मैंने उसको चाचा बोला तो वो राजी हो गया। तो मैंने बोला कि चाचा कैसे हो, तो उसने बोला कि हाँ मैं ठीक हूँ। कहने लग गया अरे यार तेरी चाची को पैसे की ज़रूरत थी, क्या इस तरीके से उसने मेरे से बोलने की कोशिश करी। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, मुझे तो पता था कि वो स्कैमर है, मैंने बोला कि चाची से बात कराओ। तो उन्होंने क्या करा, उनके टीम में एक लड़की थी तो उसने मेरे से बात करी, और मैंने उससे जब बात करी तो वो सबसे पहले मेरे से पता है क्या बोलती है, अरे यार मेरे को बहुत ज़्यादा नीड है, प्लीज़ पैसे को जल्दी से जल्दी आप ट्रांसफ़र कर दो। तो मेरी मम्मी भी साइड में बैठी हुई थी, तो मैं बात कंफर्टेबल तरीके से नहीं कर पाया था। तो मम्मी ने बोली ये कौन सी चाची है तेरी। तो गाइस इस तरीके से बहुत स्कैम चल रहा है। तो इस प्रकार के मैं आपको अवेयर करना चाहता हूं कि स्कैमर वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। और एक स्कैम होता है फोन पे की नोटिफिकेशन में जाके आपको वो मैसेज कर देंगे और वहां पे कहेंगे आपको रिवॉर्ड्स वगैरह मिल रहा है कि आप उसको क्लेम कर लो, 500-10,000 जितना भी आपको नोटिफिकेशन दे देंगे कि वहां से क्लेम कर लो, आपको इतना अमाउंट आपके अकाउंट में रिडीम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको वो बहला फुसलाते हैं। तो कृपया करके, पहली बात तो ऐसा कोई होता नहीं है स्कैमर, किसी भी प्रकार से वो आपका पैसा आपसे हड़पने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो के माध्यम से बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि कृपया करके ऐसे लोगों से अवेयर रहें और स्कैमरों से थोड़ा बचें, फ्रॉड कॉल से बच के रहें। कभी बैंक आपको फोन नहीं करेगा, कभी किसी प्रकार से नहीं आपको ऑनलाइन OTP वगैरह के लिए बोलेगा, तो ऐसे कॉलों से बचे रहें। उम्मीद करूंगा कि वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।